बंद करोगे? हो गई बात आपकी, नहीं आप क्या हो गए? नहीं सर, भाइयों का भाइयों में झगड़ा हो जाएगा आज सर। नहीं कोई झगड़ा, श्री चंद्रशेखर जी हो गई बात आ गई, आपकी सब बात आ गई, श्री चंद्रशेखर जी हो गए। माने दादा बैठ जाओ, चलो धन्यवाद। मैं माननीय सभापति जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। माननीय जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ नगीना से, वहाँ मेरी मांग है कि नैटोर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत ज़रूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजनी में अस्पताल है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएँ सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में CSC में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नैटोर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर ग्रामीण स्तर पर जिला व जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। महोदय इलाज से बेहतर होता है बचाव, मेरी मांग है कि बचाव के लिए मेडिकल कैंप, जागरूकता कैंप लगाए जाएं। साथ साथ मान्यवर वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं थी उनमें, कृपया समाप्त करें, कर देता हूं सर, एक मिनट दे दीजिए बस, एक मिनट। स्वास्थ्य को नई जगह दी गई, 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी लेकिन दिया 91,000 करोड़, और दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं सर, गरीब की जेब कटती है। मान्यवर ज़्यादातर सरकारी अस्पताल डॉक्टर नहीं है तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दी है। साथ साथ जो जनता के पैसे थे मान्यवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, IAS हो, IPS हो, सरकारी वकील हो, क्लास में अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, एक मिनट सर, खत्म कर रहा हूँ। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए, अगर एम्स ऐसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फ़ायदा होगा उस लेटर का? इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखे सर, अगर कोई महामारी आ जाए पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा। मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो माननीय सदस्य के शून्य प्रहर में बैलेट में आए थे और जो स्वास्थ्य संबंधी है, उनके लिए अध्यक्ष जी ने कृपा की है कि सभी को अवसर दे दिया जाए। तो जो स्वास्थ्य संबंधी विषय हैं,